खुजनेर में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डॉक्टर आर के गुप्ता के द्वारा खुजनेर गौशाला तथा आसपास के गांव में पहुंचकर पशुओं को लगाया जा रहा है टीका तथा पशुपालकों को बीमारी से रोकने से पशुओं को बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही किसानों को पशुओं की बीमारी से बचाने के लिए जानकारी भी दी जा रही है। डॉक्टर आर के गुप्ता ने बताया कि विभाग में 9 से 4 ओपीडी रहती है। इसके बीच अगर कहीं से फोन आ जाता है तो वहां पहुंचकर पशुओं को उपचार की व्यवस्था की जाती है। वहीं किसानों के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा केसीसी योजना का लाभ भी पशुपालन के लिए दिया जाता है। विभाग से एक भैंस पर 18,000 तथा गाय पर 15,000 की केसीसी दी जाती है। इस कार्य में आशीष नागर मैत्री, गोसेवा भारत सिंह यादव नेत्री, गोसेवा राहुल यादव मैत्री, गोसेवा तुलसीराम चतुर्श्रेणी आदि लोगों के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। याद हो कि बारिश के मौसम में अक्सर पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं। इससे बचने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के चिकित्सक के द्वारा समय समय पर पशुपालन करने वाले किसानों का मार्गदर्शन किया जाता है। टीम भारती न्यूज। पशुपालन एवं डेयरी विभाग से मैं आर के गुप्ता, फील्ड ऑफिसर, आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा आपने जानना चाहा कि पशुपालन विभाग क्या काम कर रहा है, कब कैसे क्या काम किया जाता है, तो मैं बताऊँगा कि हमारे विभाग के द्वारा जैसे सुबह 9 से 4 तो हमारी ओपीडी है ही है। हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ उपस्थित रहकर आए हुए पशुपालकों को अपना उपचार कार्य दे, उनको सेवाएँ दें। उसके बाद में बीच में अगर 1962 कभी गांव से भी हमारे पास काल आता है तो पशुपालक उस पर फ़ोन करते हैं इलाज के लिए, तो हम उनको घर पर सुविधाएँ भी देते हैं। उसके लिए निर्धारित शुल्क जो भी गवर्नमेंट ने किया है निर्धारित, उसकी हम रसीद देकर उनको पशु सेवाएँ चिकित्सा कार्य उनको देते हैं। पशुपालन विभाग से वैक्सीनेशन का काम भी, सघन वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जाता है। हर पंचायत लेवल पे हमारे मैत्री साथी, मैत्री गौसेवक साथी नियुक्त हैं, उनकी पूरी मदद हमको मिलती है और उनकी सहायता से हम सघन टीकाकरण कार्य को पूर्ण करते हैं। अभी पिछले बार शासन की योजना थी FMD, मुँह पका एवं खुरपका रोग का टीकाकरण हमारे विभाग के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा किया गया और अब वर्षा ऋतु के पूर्व प्रतिवर्ष किया ही जाता है। इस बार भी हमने HS एवं BQ टीकाकरण पशुपालकों को, पशुओं को किया है और हमारे मैत्री साथियों का पूरा उपयोग हमने उसमें किया है, उनकी क्षमता का उपयोग हमने किया है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पूरा मार्गदर्शन लिया जाता है, जब भी जो भी समस्या क्षेत्र की आती है और उनको पशुपालकों की जो भी समस्या होती है उनको हम हल करते हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.